सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। थाना रेवसा क्षेत्र के इलाके में गत दिन गुरुवार की बीती रात एक पति द्वारा अपनी पत्नी को गला दबाकर मौत के घाट उतार देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना पर प्रकाश डालते चले कि थाना रेवसा क्षेत्र के गढ़ीपुरवा मजरा खानपुर मैया निवासी रामदेवी की शादी आज के करीब 5 वर्ष पहले थाना थान गांव इलाके के मानपुर इंटिया गांव निवासी हेमराज पुत्र राम धीरज से हुई थी, जो कि जो चर्चा का विषय है स्थानीय लोगों में ग्रामीणों में कि उसके 5 साल बीत जाने के बाद बच्चे न होने से काफ़ी पति आए दिन प्रताड़ित करता था हेमराज, और आखिरकार गुरुवार की बीती रात देर पत्नी को गला दबाकर मायके में ही मौत के घाट उतार दिया। हद तो तब हो गई जब शव को साथ छिपाने के लिए शव को एक कुएं में डाल दिया। लोग बताते हैं कि रामदेवी के पिता का साया उसके सिर से काफ़ी दिन पहले ही उठ चुका था। माँ उसकी मंदबुद्धि की है, जिसकी वजह से वो मायके में ही रहती थी, और वहीं पर गुरुवार को रात उसका पति हेमराज पहुंचा, बाइक दूसरे के वहां खड़ी कर दी और रात में अपने ससुर मायके में ही ये घटना को अंजाम देकर मौके से भाग निकला कुएं में शव को डालकर। वहीं पर सूचना पर पहुंची थाना रेवसा की पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है, और मृतक के भाई उमेश कुमार की तहरीर पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें घटनास्थल की, मृतक के परिजनों के द्वारा दिए गए बयान। एक काफ़ी दर्दनाक हादसे एक घटना को अंजाम दिया पति ने, अपनी पत्नी को हम मौत के घाट उतार दिया। रामदेवी की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। एक घटना रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ीपुरवा का मामला है, और इसकी ससुराल रामदेवी की थाना थान गांव इलाके में इटिया पारा में थी। उमेश पिताजी का आपके? राम भरोसे। कहाँ घर है आपका? गढ़ीपुरवा थाना रेवसा। क्या हुआ है, पूरी घटना बताएं। मैटर मतलब 9 बजे रात के यहाँ आ रहा है। कौन? भानोजी है पति का। क्या नाम है उसका? हेमराज। किसका लड़का है? राम धीरज का। ये कहाँ का निवासी है? मानपुर इंटिया थाना थान गांव। अच्छा, फिर ये बीती रात 26 मार्च 2020 की रात में आया था। ये तुम्हारी कौन है? हाँ, 26 मार्च 2020 बीती रात में आया था कल। ये आपकी कौन है जो मृतक हैं? ये बहन है। क्या नाम है इनका? रामदेवी। किसकी पुत्री हैं? भगवती। कहाँ के? गढ़ीपुरवा के। अच्छा, फिर कैसे क्या हुआ इनके साथ? फिर रात के यहाँ आवारा लेटा रहा है, और चाची लेटरिन चली गई वहाँ 2 बजे टाइम। अभी वो मार के यहाँ फोन डाल दी तो भाग दो ले नहीं चले। अभी रहा तो कटकेल दी और भाग दो। कई बजे की घटना है रात में? ये रात के 2:30 बजे की। 2:30 बजे की पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस सूचना। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है। अच्छा, नहीं तो क्या कारण था, मार क्यों डाला? मार इनके निपटते नहीं, झगड़ा लड़ाई जो कुछ हो। शादी कितने दिन पहले किया था? 5 साल पहले। 5 साल पहले। अच्छा, बच्चे बच्चे हैं? रुपया मांगा था, इसे भी तो था। घर बेचे, खेत बेचे, रुपया दिया। अच्छा। इसकी सगी माँ है? हाँ, सगी माँ। वो कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई? अरे उनका नाला कम दिमाग के हैं। अच्छा, इसके पिताजी नहीं हैं? पिताजी खत्म है, शादी पहले खत्म हो गया। अच्छा, शादी आप लोगों ने ही की थी? हाँ, शादी। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थाना रेवसा क्षेत्र के इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी को गला दबाकर कुएं में डाल दिया गांव के ही। वहीं पर उसके चचेरे भाई उमेश कुमार के द्वारा थाना रेवसा में तहरीर देकर नामजद किया गया है इसके
पति और अपने चचेरे बहनोई को वहीं पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। आप देख सकते हैं मामला ये था, बताया जा रहा है कि आज के 5 साल पहले, क्या नाम है इनका, राम देवी की शादी हेमराज के साथ हुई थी। हेमराज गढ़ीपुरवा के हैं, मानपुर इंडिया के हेमराज के साथ हुई थी। मायका रामदेवी का गढ़ीपुरवा में है, थाना रेवसा। ये घटना बीती रात 26 मार्च 2020 की है।